जाबाज अनुभवी सवार है मिसालदार मेजर लखविंदर सिंह। ये मोटरसाइकिल्स भी असली हैं और उनपे बैठे राइडर भी असली हैं। घूमते हुए आ रहे हैं दृश्यम की तरफ, वहां पे रेजिमेंट की दो जिप्सीज खड़ी हैं चमचमाती हुई, उसके अंदर ड्राइवर सुरेंद्र सिंह, और ये छलांग लगा के पार किया बग्गी को। इन सब अंगरक्षक के सभी साथियों से आपका परिचय कराऊंगा। घूमते हुए आ रहे हैं चारपाई के ऊपर छलांग मारनी चाहती थी, लेकिन रॉकेट ने बोला भाई वहां पर कोई सो रहा है, उसकी नींद ना डिस्टर्ब करी जाए। लेकिन लखविंदर साहब ने बोला नहीं भाई, ये इंडियन आर्मी से टेबल जंप की करी और घूमते हुए आ गए जंप की तरफ, उसको पार किया रिसालदार मेजर लखविंदर सिंह और रॉकेट की जोड़ी अब अग्नि परीक्षा की तरफ और अब मैदान में अगले सवार उतर रहे हैं सवार लखजीत सिंह, उनके घोड़े का नाम है दुर्गा। दोस्तों वीर सिंह और दफेदार सुरेंद्र सिंह आगे तो खरोच ना आ जाए, और अब बढ़ते आ रहे हैं बग्गी की तरफ थोड़ी सी अनबन। ये पुराने दोस्त हैं विक्रमादित्य ने देखा, अरे ये मेरा छोटा भाई चेतक खड़ा है भाई, ये तो केवल 8 साल का बच्चा है, मैं इसके ऊपर से जंप मारूं। हाँ सवार लखजीत सिंह ने बोला करना तो पड़ेगा, लेकिन आज मूड नहीं बन रहा। विक्रमादित्य ने बोला चलो आज तो फाइनल टेस्ट है, कल देखते हैं। और वहां पे चेतक जो है थोड़ा सा खुद भी वो एक्साइट हो रहा है। ये देखिए एक बार फिर चारपाई से ऊपर से जंप लगाई, लेकिन जो वहां पे है चारपाई के अंदर वो बड़ी गहरी नींद में है भाई, उसको तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। और ये सवार लखजीत सिंह और विक्रमादित्य अब अग्नि परीक्षा की तरफ, कोई झिझक नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, जोरदार तालियां तो बनती है। और अब मैदान पे अगले सवार उतर रहे दफदार मनदीप सिंह, इनकी घोड़ी का नाम है गंगा, बहुत ही ऊंचे कद की घोड़ी है। देखिए कितने सतर्क तरीके से ऑब्स्टिकल्स की तरफ बढ़ती हुई, असली मोटरसाइकिल्स पर असली डीआरसी तैनात है। और घूमते हुए आ गए मनदीप और गंगा, शानदार छलांग के साथ जिप्सी को पार किया। ये आखिरकार ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, तो छोटे भैया चेतक भी खुश हो गए। और देखिए सवार महिपाल सिंह जो है इतनी गहरी नींद में है कि 3 घोड़े उनके ऊपर से गुजर गए, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी आंखों को खोला नहीं। दफदार मनदीप सिंह और गंगा अगली परीक्षा को पार करते हुए मैदान को छोड़ रहे हैं, और अब मैदान पर उतर रहे हैं दफदार राणा प्रताप, जिनके घोड़े का नाम है हालिफ। Very watchful horse. This is a very challenging time as natural light is fading and artificial lights are coming into play. Dafadar Rana Pratap aside Garlic now goes over and clears the 2 gypsies position on the field, and a huge massive jump over Mr. Chetak. And his buggy turns around now, coming towards that pot. Asli charpai, asli machhardani, asli banda sawar, Mohipal Singh, bahut hi badhiya gehri neend pe. Aur ye do kaun hai bhai sawar? Bahut hi padaku sawar hai ye, sawar Manoj aur sawar Jugraj. Subah se wahi akhbar padh rahe hain. Ye apne agle pariksha ki taiyari mein lage hain dono. Bahut sincere hai. Dekhiye kis tarike se Rana Pratap aur Galib ki jodi ne agli pariksha paar ki. और अब मैदान में उतर रहे इस प्रदर्शन के आखिरी सवार नायब सवार पवन कुमार और एब्सोल्यूट, उनके घोड़े का नाम है एब्सोल्यूट। शक्तिशाली तेज रफ्तार का घोड़ा है और ये जंप से पहले आक्रमण करना चाहता है, अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। आप संभालना पड़ रहा है, ये बताए चेतक भैया क्या कह रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट अगली बार तुम खड़े हो गए मैं ऊपर से जंप मारूंगा। क्या मजेदार प्रदर्शन चल रहा है दोस्तों। हम यहां इसका परिचय देना तो रोक नहीं सकते, लेकिन दिल की धड़कन जरूर रुक जाती है आपके सामने। नायक विशालदार पवन कुमार और एब्सोल्यूट, एक बार जोरदार तालियां जरूर। और इस प्रदर्शन का आखिरी नमूना अब आपके सामने होगा। जरा नजर घुमाइए अपनी दाहिनी तरफ, राइट साइड में वहां पे मिलिट्री पुलिस की मोटरसाइकिल तैनात है और उनके बीच में बंदियां लटक रही हैं। और यहां बाई तरफ चार घोड़े भी तैयार हैं। क्या होने वाला है अब आपके सामने? एक तरफ लटकती हुई बंदियां मोटरसाइकिल्स के बीचों बीच और यहाँ पर चार हमारे शो जमते वाले सवार तैयार। क्या नाम है तेरा? ये वाला शूट कर लागे से नीचे बैठ के। तो आप देखेंगे कि आपके दाहिने तरफ राइट साइड से नीचे बैठ जाइए, मोटरसाइकिल पर बल्लियां लाई जाएंगी। चलते चलते बल्लियों के ऊपर से जंप लगाने की कोशिश करेंगे विशालदार मंजर लखविंदर सिंह और नायब विशालदार पवन कुमार की पहली जोड़ी और दफेदार मंदीप और दफेदार राणा प्रताप की दूसरी जोड़ी। ये लागे प्रांगण में, वहां से बल्लियां भी आ रही है मोटरसाइकिल के बीचों बीच जोड़ी और ये पार किया, दूसरे को भी पार किया। इसे देखने में कितना आसान लगता है लेकिन घोड़ों को भी जजमेंट करनी पड़ती है कि चलती हुई हरकत रुक ना जाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राष्ट्रपति अंगरक्षक रेजिमेंट की शो जंपिंग टीम के लिए।